समाज के लिए कार्य करते हैं, हमारे लिए कुछ करते ही नहीं, क्या ऐसा कुछ है? यहाँ पे कुछ ऐसा भी है जो के यहाँ पे इस बस्ती में कोई भी जाटव अपनी समाज का इसमें नहीं है, जाटव समाज का नहीं है घर इसमें। यहाँ पे है तो बिरादरी है, अन्य बिरादरी है, सात बिरादरी, पर लेकिन कोई जाटव समाज की कोई बिरादरी नहीं है। तो ये भी कुछ जात पक्ष का भी मामला यहाँ पे मौजूद है, पर वोट सभी देते हैं, वोटों के लिए कोई किसी से मने नहीं है। आते हैं भैया, हाथ जोड़ बिनती है वोट देना हमें, तो वोट भी देते हैं, पर लेकिन उसको वोट तक ही पूछा जाता है और वोट के बाद में कोई किसी को यहाँ पे शकल दिखाने तक भी नहीं आते हैं। हर किसी की समस्या यही घर घर में यही आपके लिए कहानी मिलेगी, क्योंकि भैया इस समस्या से हम लोग अपनी व्यवस्था इतनी भंग है कि छोटे बच्चों की, बड़ों की, बुजुर्गों की के रास्ता कहीं निकलने के लिए कोई भी विकास नहीं है। ये बीच में एक ऐसा छूटा हुआ क्षेत्र है जिसमें आ तो जाते हैं नेता देखने के लिए और आश्वासन भी देते हैं, पर लेकिन जब तक आश्वासन ऐसा होता है कि जब तक कम से कम किसी में कोई नंबर नहीं लगाए, कह देते हैं अभी 2 महीने बाद आपकी फाइल भेज दी गई है, भेज दी गई है और उस पर थोड़ा सा हमने मेयर साहब से बात कर ली है, ठीक है इनकी। फिर हम मेयर साहब से उस दिन गए थे और बात भी करी थी, उन्होंने कही हमने इंजीनियर साहब से फोन कर दिया, आप निश्चिंत रहिए आपका जनवरी में लग जाएगा। उससे हम एक साल पहले भी गए, 3 ट्रैक्टर ले गए थे हम भर करके नगर निगम पर, पार्क में बैठे थे, मेयर साहब भी आए थे। और भी आप किस चीज के भर के ले गए? हम जनता पब्लिक के ले गए थे भर करके, जनता 3 ट्रैक्टरों में। जी 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 जी, 3 ट्रैक्टरों में गई थी और वो भी अपने पैसों से, ट्रैक्टर वालों ने 500-500 रुपए डीजलों के लिए थे, जो हम 2-4 जनों ने कर करके, मेन मेन आदमी थे उन्होंने, हमने पैसे करके ट्रैक्टरों को दिए। तो पब्लिक भी ले गए, बच्चे भी गए थे, औरत भी गई थी और लेडीज वाणी भी और अपने जेंट्स लोग भी गए थे, अपने अपने काम को छोड़ करके। उस दिन छुट्टी करी थी, सारे मेहनती मजदूर यहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे ऐसी कोई सर्विस वाले लोग नहीं है, इसका कोई हल नहीं होता है। गाड़ियां जो बाइक वगैरह होती हैं, जो दूसरों के घर में हमें जो रोड पर ही खड़ी करने के आनी पड़ती हैं, किसी के पास ऑटो वगैरह है वो भी गैरेज में लगा के आना पड़ता है, यहाँ पर पैदल ही निकलना आता है और पैदल से ही आने जाने के लिए रास्ता बनी हुई है, क्योंकि कीचड़ इतना हो जाता है कि घरों के सामने से इतनी नालियां गुजर रही हैं जिसके कारण, और पानी जल भराव है और पानी के लिए निकलने के लिए कोई भी रास्ता कहीं भी नहीं बनाई है, पर ना तो कोई भी यहाँ पे जो भी 15 साल से 20 साल से विधायक, पार्षद, सांसद और भी जो भी नेता होते गए हैं, केवल यहाँ बराबर में ये परसों नाला पे आ जाइए वो भी बना हुआ है, इधर आप चले जाइए हटके शिवला सुधापुरा उधर भी है थोड़ा सा बना हुआ है, पर लेकिन यहाँ जो अपने श्रवण नगर की मेन समस्या है, यहाँ पर काफी बार वो माला जय स्वागत भी किया है विधायकों वगैरह का, जी धर्मेश का स्वागत 2-4 बार कर चुका है यहाँ पर, और पहले उससे पहले गोटाई लाल जी आए थे, सुदामा SKS इंटर कॉलेज सुदामा पर आए थे, वो भी काफी बार आ चुके हैं, और पहले पार्षद कोमल था जो 5 साल से यहाँ बस्ती में देखने भी नहीं आए थे, अब प्रेजेंट में थोड़े से अजय कुमार जी हैं, लेकिन कहते हैं तो वो साथ जाते हैं, पर लेकिन कोई आगे के लिए कोई विकास का हमें कोई जरिया ही नहीं दिख रहा है जिससे कि हम लोगों को थोड़ा सा भी भरोसा हो जाए। और यहाँ पे वोटिंग है 2-2.5 हजार कम से कम वोटिंग है, ये बीच में बस्ती ऐसी पिछड़ी हुई है जो नेताओं की नजर में है, पार्षदों की नजर में है, विधायकों की नजर में है, नगर निगम जो भी अधिकारी हैं सबकी नजर में है। अपने पैसों से हम भर करके जो भी होता है ट्रैक्टरों का भाड़ा देते हैं, 1-1 हजार रुपए हमने प्रति ट्रॉली के हिसाब से अपने घर के सामने से मलबा भी डलवाया है, और निकलने के लिए थोड़ी बहुत रास्ता होती है, पर लेकिन जब रास्ता बिगड़ जाती है तो फिर अपनी बाइक वगैरह दूसरे घरों में ही हम खड़ी करके आनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ निकलने में इतनी समस्या होती है जिसका आपके लिए कोई के तोड़ नहीं है, कोई भी जिसका आपके लिए कोई हम जवाब नहीं दे सकते किस किस समस्याओं से हम जूझ रहे हैं यहाँ पर। जैसा कि आपने क्या क्षेत्र का नाम क्या है? इसका सुदामा इंटर कॉलेज। सुदामा इंटर कॉलेज, तो आपकी किस प्रकार की समस्या है यहाँ पर? आपकी समस्या किस प्रकार की? समस्या देखो, ये पूरा नाली बड़ी हुई है, ये मकान देखो तुम ये भरा हुआ है, नाली कोई सुनता नहीं है, ना तो तुम्हारा कोई जो है जो यहाँ का वो है चेयरमैन बना हुआ है वो भी सुनता नहीं है। नाम चेयरमैन का नाम अजय भी सुनता नहीं है। जो आपके पार्षद है वो सुनते नहीं है? नहीं, कोई नहीं सुनता। तो पार्षद से आपने शिकायत की है? बहुत गई, ट्रैक्टर भी भर के गई। कितने समय से शिकायत करते हुआ? कम से कम हो गई, कम से कम कहते हुए 2 साल हो गए। 2 साल से कहते हुए आ रहे हैं। तो पार्षद जी आपके क्या बोलते हैं? आपसे बोल देंगे आप, हाँ हो जाएगा अभी तो बोलवा। ये क्या क्षेत्र का नाम क्या है? सुदामा स्कूल के बोले सेवला जाए टागरा।
अच्छा, तो यहाँ आपकी किस प्रकार की समस्या है? समस्या हमारी यही है कि नाली करंजा वगैरह कुछ है नहीं है, यहाँ पे निकलने की दिक्कत होती है, पानी भरा हुआ है, पानी का कहीं निकास नहीं है। आपको चीजें कहो तो अपना पार्षद जी से शिकायत की तो बार करिए, बहुत से लोग भी आए जो फोटो खींच के लेके गए, नापा तोली करके गए, बस ऐसे ही आते हैं, देख के चले जाते हैं। अभी हमने ये निकलने के लिए परेशानी होती है तो हमने खुद अपने पैसों से मिट्टी वगैरह डलवाई तो भैया निकल लेंगे। तो यहाँ की जनता को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? परेशानी तो बहुत सारी हैं, जैसे कि आपको खुद ही देख रहे हो परेशानी इतनी सारी है, आपने वो देख लिया पूरा, बड़े बूढ़े हैं, बच्चे भी, अभी जी सामने स्कूल है, इसमें से बच्चे वगैरह निकलते रहते हैं, उनको भी तकलीफ होती है निकलने में, बस यही परेशानी है। तो और जनता ने इस गलियों को नालियों को छोड़कर और कोई विकास नहीं कराया अभी तक? कुछ नहीं करा और कोई विकास। क्षेत्र कौन सा लगता है आपका? क्या क्या समस्या है आपकी यहाँ पर? समस्या यहाँ पर ये है कि काफ़ी टाइम से कम 15 साल तो हमें यहाँ देखने से जैसा का जैसा अभी तक वही वैसा ही है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ यहाँ पे काफ़ी टाइम से। बाल इसों के टाइम पे इतना कीचड़ खच्चर हो जाता है कि बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, उसकी वजह से काफ़ी बच्चे गिर भी जाते हैं, लेडीज वाली काफ़ी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है यहाँ पर। कोई भी पार्षद नगर निगम कई बार कहीं कहीं सब जगह हुआ है हम, पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही यहाँ पे। हम चाहते हैं यहाँ पे मतलब कुछ रास्ते वस्ते कुछ बन जाए, पीछे की साइड में सब तरफ रास्ता वस्ता बन रहा है, मगर यहाँ पे कितना भी टाइम होगा, काफ़ी टाइम हो चुका है, मगर ऐसे का ऐसा ही है। आपके पास है जी और नगर निगम के अधिकारी आपसे क्या बोल देते हैं? केवल आश्वासन देते हैं कि अभी महीने दो महीने में देखते हैं, कभी कोटा में पैसा नहीं है कि कभी फाइल आ चुकी है, आपकी कभी अधिकारी से बात कर ली है, ऐसे कर बोलते हैं। और काफी बार अपने ही हमने खुद के ही पैसों से लेकर के और काफी बार ट्रैक्टर ट्रॉलियों से जनता प्रभाव भी किया है वहां पर, और जाने के बाद में पर लेकिन वहां पर यही कर देते हैं कि हमने आपकी फाइल पहुंचा दी है और अभी थोड़ा सा महीने या 15 दिन बाद फिर दोबारा आएंगे और फिर देखेंगे। पर लेकिन जनता के लिए केवल आश्वासन दिया जाता है, इसलिए कुछ भी नहीं होता है, अपने ही पैसों से मिट्टिया या मलबा वगैरह खुद के पैसों से ही डलवाते हैं, क्योंकि यहाँ हम कम से कम 15-20 साल से ऐसी समस्या जूझते हुए आ रहे हैं जिसके कारण हमें क्योंकि निकलना बहुत दुर्लभ हो जाता है, और बेचारे बच्चे हैं, छोटे छोटे महिला भी हैं, और उसके अलावा भी यहाँ पे अपने बुजुर्ग वगैरह हैं। पानी बारिश के टाइम पे तो ऐसा हो जाता है कि जैसे अपने बच्चियों के बैग वगैरह बिगड़ जाते हैं। वो तो देखने को मिलेंगे, इतना तो मिट्टी डल चुकी है। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।